हेलो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। देखो, ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ देख लेते हैं, कुछ चीज़ समझ लेते हैं। जैसे एक फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अच्छा, चार्ज के बारे में जब स्टडी करेंगे तो ये दो कंडीशंस में की जा सकती है, या तो वो रेस्ट कंडीशन हो या तो फिर मोशन कंडीशन हो, ठीक है। अगर हम चार्ज के बारे में रेस्ट कंडीशन में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। और अगर हम मोशन कंडीशन में बात करेंगे चार्ज की, तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा आता है मैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये तो आगे की यूनिट्स में पढ़ा जाएगा। जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें तो समझ में आ गई, तो इन चीजों को आगे समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या चीज होता है। चार्ज, देखो चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी बॉडी की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी का मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये बाहर से कहीं से नहीं, ये बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब बॉडी में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहर से कहीं से नहीं आ रहे, बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी, ठीक है। अच्छा, दो तरीके के चार्ज होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, आपने ऐसा सुना होगा कि अगर कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एनी सोडियम एक एग्जांपल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखते हैं? 2 8 1, ऐसे क्या होता है? मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो क्या होगा? देखो क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। पहली शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 11 प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स, अगर इनको टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इस वजह से ये जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या होगा? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे 11 तो प्रोटॉन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये जो एटम है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली जैसे इसने डोनेट किया, ये पॉजिटिव हो गया, इसी तरीके से अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, ठीक है। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और अगर नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और डेफिशिएंसी में इलेक्ट्रॉन्स कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, SI यूनिट होती है चार्ज की,
एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम्ब। सीजीएस यूनिट होती है कूलम्ब का चार्ज की, सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम्ब। ठीक है, अच्छा एक कूलम्ब 3×10⁹ स्टैट कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहला सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस, चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी एडिटिविटी। ठीक है, एडिटिविटी, ठीक है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं एक बॉडी है ये, ठीक है, इस बॉडी के अंदर भी छोटी छोटी बॉडीज हैं, दो तीन बॉडीज हैं ये, इस पे चार्ज है प्लस 2e का, e का मतलब होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब। ठीक है, इस पे है प्लस 3e और इस पे है प्लस 1e। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, इस पे जो नेट चार्ज है तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज होगा 1e प्लस 2e प्लस 3e, 6e के बराबर, e क्या है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब है। ठीक है, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने इन सभी के चार्जेस को ऐड कर दिया। ठीक है, ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अच्छा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी थी और हमें बोला गया कि इस बॉडी में जो चार्ज है वो क्यू है, कितना है? क्यू है। ठीक है, तो इस बॉडी में जो चार्ज क्यू होगा वो किसके बराबर होगा? एन ई के बराबर। क्या होगा? इस बॉडी में जो चार्ज होगा वो एन ई के बराबर होगा। एन यहाँ पे क्या हो सकता है? एन वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब बॉडी में चार्ज कितना हो सकता है? ई हो सकता है या फिर टू ई हो सकता है या फिर थ्री ई हो सकता है, फोर ई हो सकता है, फाइव ई हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अच्छा यहाँ पे एन की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं होगी या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पॉइंट में या फ्रैक्शन में? इसको कुछ ऐसा समझते हैं, मान लेते हैं कि इसमें 5e का चार्ज था और एक ये दूसरी बॉडी थी। ठीक है, यहाँ पे 5e मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसको ऐसा समझते हैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है और ये बॉडी इस वाली बॉडी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहती है, तो वो कैसे दे सकती है? एक इलेक्ट्रॉन दे सकती है, दो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, तीन इलेक्ट्रॉन दे सकती है, आधा इलेक्ट्रॉन दे सकती है क्या? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती। ठीक है, डेढ़ इलेक्ट्रॉन दे सकती है या ढाई इलेक्ट्रॉन दे सकती है? नहीं, इतना नहीं दे सकती। वो कैसे देगा? 1, 2, 3 या 4 या 5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहती है कि किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो एन ई के बराबर होता है और एन हमेशा क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चार्ज हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। इसको कुछ ऐसा समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये बॉडी थी, इस पे 3e का चार्ज था और ये जो दूसरी बॉडी है इस पे -e का चार्ज है, ठीक है -e का चार्ज है। अच्छा अभी मैंने बोला कि इन दोनों बॉडीज पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, 3e - e, टोटल कितना हो जाएगा 2e, इस तरीके से होगा, ठीक है। इस बॉडी पे टोटल मतलब दोनों पे जो टोटल चार्ज हो गया वो 2e हो गया। अब हमने क्या किया, जैसे तैसे इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इन दोनों बॉडी को किसी भी तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, कनेक्ट करने पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों बॉडीज पे जो नेट चार्ज होगा, अभी तो इसमें कितना था 3e था, इसमें -e था, अब जब इन दोनों बॉडी को हमने कनेक्ट कर दिया तो इनका इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर होने के बाद इन दोनों बॉडीज का जो नेट चार्ज है वो उस टाइम में भी 2e के बराबर ही रहेगा। पहले तो दोनों में इसमें इतना था इसमें इतना था, अभी हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद भी दोनों बॉडीज पर इंडिविजुअली जितना भी चार्ज है लेकिन नेट चार्ज 2e के बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे इस वाले केस में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है।